जिला अस्पताल में पीएम के दौरान परिजनों ने किया हंगामा। नर्स द्वारा फांसी लगाए जाने के मामले में दोषी डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग की। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हाजी वाली तालाब में रहने वाली एक नर्स निशा सोनी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज जिला अस्पताल में पीएम के दौरान परिजनों ने हंगामा करते हुए इस घटना के पीछे डॉक्टर सुरेंद्र किरार को जिम्मेदार ठहराते हुए गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों ने यह भी कहा कि डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तो वह शव को भी नहीं लेकर जाएंगे। हालांकि बाद में टीआई योगेंद्र सिंह की समझाइश और जांच में सभी बयानों सबूतों को शामिल करने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। मृतका की बेटी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर सुरेंद्र किरार अक्सर उन्हें प्रताड़ित करते थे। उनके खिलाफ शिकायत भी की गई थी। 1 महीने पहले बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां भी निशा सोनी ने खाई थी। उसके बाद भी लगातार डॉक्टर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। उसी के चलते निशा ने यह कदम उठाया। हाजी वाली तालाब, हाजी वाली तालाब। क्या हुआ? उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड की वजह क्या? सोइन के आज डॉक्टर ने जो उन्होंने मम्मी के लिए ब्लड डाला है। कौन है डॉक्टर? CHO है, पीपल टाउन में। क्या नाम है? सुरेंद्र करार। किस तरीके की प्रताड़ना कर रहे थे? तुम्हारी लड़की को मार डालेंगे, तुम्हारा लड़का है उसको मार डालेंगे, तुम्हारी बड़ी लड़की को मारेंगे, दामाद उसको मारेंगे। क्यों कर रहा था, क्या कारण था? क्योंकि मम्मी को मुझसे बात नहीं करनी थी, तो वो इस तरीके से प्रेशर बनाता था कि हमसे बात करो वरना हम ऐसा करेंगे। मम्मी से बात नहीं कर, मम्मी बात नहीं कर रही। मम्मी बात करना नहीं चाहती थी, ना उससे मिलना चाहती थी, ना उसके साथ जाना चाहती थी कहीं पे भी, और वो ज़बरदस्ती लेकर जाता था उनके लिए। क्या क्या मम्मी ने क्या कदम उठाया? मम्मी ने मतलब पहले भी नींद की गोलियाँ खाई हैं 4 बार, और अभी फिर इस बार उन्होंने मतलब सुसाइड ही कर लिया। अब किस प्रकार की कार्रवाई चाहती है? क्या चाहती है, क्या कार्रवाई चाहती है उसके खिलाफ? बस ये कि वो गिरफ्तार हो जाए, उसे फांसी होनी चाहिए। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें निशा सोनी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, तो इस संबंध में हमने मर्ग कायम करके जांच में ले लिया है। इसी बीच में परिजनों की ओर से आरोप आ रहा है, और इसके पूर्व में भी कुछ तथ्य ऐसे आए हैं जिसमें पहले एक व्यक्ति सुरेंद्र किरार के विरुद्ध इनने एक अपराध कायम कराया था 354 का। इसके बाद उसमें जो कानूनी प्रक्रिया थी वो पूर्ण की जाकर अब उसके बाद ये घटनाक्रम आया है दूसरा, जिसमें उन्होंने फांसी लगा ली है, और परिजनों द्वारा जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जांच करके जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध FIR करके हम उसमें वैधानिक कार्रवाई। सर, इनके परिजनों का मांग है डेड बॉडी नहीं ले जा रहे यहाँ से, कि सुरेंद्र किरार को गिरफ्तार कर लिया, और इनका ना बहुत सारी वीडियो और ऑडियो हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें हम साक्ष में लेंगे, पोस्टमार्टम के उपरांत जब पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाती है, अपराध कायम होगा जिन दोषियों के विरुद्ध, जिनके भी विरुद्ध होगा, मैं सिर्फ उनके परिवारजन जो बताएंगे उनके नहीं, और भी कोई अगर इसमें सहयोगी या वो होगा उसको, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करके और इनके विरुद्ध चालान कितने बच्चे हैं? देखिए, अभी ये पूरी डिटेल तो हम नहीं ले पाए, लेकिन एक बिटिया के बारे में मुझे जानकारी, और ये रहने वाली बंटी नगर है।